चांदनी, तुम क्या ये रोज सुबह सुबह लाउड म्यूजिक सुनती रहती हो? अच्छा सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, रात को आने में लेट हो जाएगा। साहब अभी सो रहे हैं, तो जब वो उठ जाएं तो उन्हें कहना मुझे कॉल करें, ठीक है? जी मैडम। हेलो दीदी। हाँ आप अभी घर पे आ जाओ, मैं आपको सारा काम समझा देती हूँ। हाँ हाँ कितनी देर में आओगे? ठीक है दीदी, चलेगा चलेगा। हाँ हाँ ओके दीदी। दीदी घर तो बड़ी अच्छा है तेरी मैडम का। कहाँ है तेरी मैडम? बाहर गई है, बोल के गई है रात तक आएगी। कोई लफड़ा फड़ा दिखता है तेरी मैडम का? तभी तो सारा सारा दिन बाहर रहती है। होगा ना, अपन को क्या। आप भी। और साहब कहाँ है तेरा? अंदर तान के सो रहा है। अरे चद्दर तान के। चलो चलो, आप हंसना बाद में, आपको काम समझाती हूँ। श्वेता आप किचन में जाओ, मैं साहब को देख के आती हूँ, ठीक है? मैडम साहब वो मेम साहब बाहर गई है, रात तक आएगी, आपको फोन करने को बोली है। अच्छा अब ठीक है, एक चाय ले आओ मिलने। जी साहब। हेलो श्वेता, यार कल रात तक तो फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान नहीं था तुम्हारा आउटिंग का, आज सुबह सुबह अचानक कैसे बन गया? हाँ तो तुम्हें बताना जरूरी है क्या? वैसे भी मैंने कभी पहले बताया है तुम्हें कि मैं कहाँ जा रही हूँ? कोई नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज टेक योर टाइम स्वीटी, नो प्रॉब्लम, बाय। क्या हुआ? चाय। सारा काम समझ आ गया ना आपको? हाँ तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी सब। ला मैं देकर आऊंगी। ठीक है। साफ चाय। तुम कौन हो? जी मैं चांदनी की बहन हूँ, कल्पना। चांदनी कुछ दिन के लिए गांव जा रही है, तो उसकी जगह पर घर में काम मैं करूंगी। लेकिन चांदनी ने तो कुछ बताया नहीं। चांदनी। जी जी साहब। तुमने बताया नहीं तुम घर जा रही हो? साहब मैंने मेम साहब को बताया था, मेरे जाने के बाद आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने दीदी को यहाँ बुला लिया। अच्छा ठीक है, फिर इसे अच्छी तरह से समझा दो कि क्या काम करना है, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी साहब। तब तक आप चाय पी लीजिए, मैं आपका टिफिन तैयार कर देती हूँ। अब सुनो, आज मैं घर पर ही हूँ तो तुम कुछ और काम कर लो, ठीक है? ठीक है साहब, मैं किचन साफ कर देती हूँ। चाय। अच्छा सुनो, क्या नाम बताया? कल्पना। कल्पना, अगली बार से जब तुम रूम में आओ ना तो एक नॉक करके आना, समझी? जी समझ गई। Thank you.
नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। अभी भूख नहीं है, थोड़े समय के बाद बना लेना। ठीक है, आप मुझे बता देना, लेकिन तब तक मैं करूंगी क्या? झाड़ू पोछा भी हो गया, चांदनी ने किचन भी साफ कर दिया, आप बताओ ना साहब मैं क्या करूं? बातें? बातें? हाँ मतलब देखो, तुम चांदनी की जगह काम करने आई हो तो तुम्हें हमारे बारे में और हमें तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। एक मालिक को क्या चाहिए क्या नहीं, नौकर को पता होना चाहिए, है ना? ठीक कहा साहब। तो बताइए आपको क्या पसंद है? मुझे हर रोज सुबह एक चाय चाहिए, वो भी गर्म, ठंडी बिल्कुल नहीं, और मुझे तीखी चीज बिल्कुल पसंद है। तड़का भी नहीं? देगी मिर्च का तड़का तो अंग अंग फड़का। क्या कहावत है? तड़का चलेगा। वैसे कितना अजीब नाम है ना, देगी मिर्च, ये मिर्च देगी तो कौन सी मिर्च नहीं देगी। क्या हुआ साहब? नहीं, वो काम की वजह से अक्सर मेरा सर दर्द होता रहता है। अब मैं दबा देती हूँ। नहीं ठीक, आइए आइए, आप इधर बैठिए, मैं दबा देती हूँ, आइए आराम से, आराम से।
लगता है तुम मेरा ये दर्द मिटा दोगे। आप कहकर तो देखिए, मैं आपके सारे दर्द मिटा दूंगी। हेड मसाज कुछ आराम मिला? हाँ, अच्छा मसाज करती हो तुम। मालूम है। वैसे चांदनी तुम्हारी सगी बहन है? नहीं नहीं, वो मेरे दूर के रिश्ते में चाचा की लड़की है। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? शादी हो गई तुम्हारी? शादी भी हो गई और तलाक भी। तलाक? वो मेरा पति नामर्द था और अपनी कमजोरी का गुस्सा वो मुझे मार पीट के निकालता था। शादी के बाद कभी कुछ तुम्हारा कुछ होता साहब तो तलाक थोड़ी ना होता। वैसे भी अगर औरत को प्यार मिलता रहे तो वो मारपीट भी सह लेती है। कोई तो मेरी बीवी को समझाए। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, तुम खाना बना लो, मैं कुछ काम कर लूंगा। जी साहब, आप यहाँ किचन में? हाँ, मुझे पानी पीना था, देखा तुम बिजी थी तो सोचा मैं खुद ही ले लूँ। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, एक बार देखूँ कैसे बना है। अरे सब सब दीजिए। साहब, ज्यादा उतावलापन कभी कभी इंसान को चला देता है। वो अच्छी खुशबू आ रही थी इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों झूठ बोल रहे हैं साहब, कब से तो कंट्रोल कर रहे हैं आप। देख क्या रहे हैं, सोच लो कि करना क्या है, चलना है या फिर हाथ मारना है। सुंदर लड़की पास हो तो हाथ क्यों नहीं? अभी तो आपको बताया ना साहब, ज्यादा उतारा है इन सबको चला था। कहीं आप आगे बढ़ गई तो? एक बार मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। साहब साहब जी, जगह ठीक नहीं है, किचन खाना बनाने के लिए होता है, फूड बनाने के लिए। कीजिए, किचन थोड़ी ना है। हाँ पर वो एक बार चांदनी को कॉल कर लेती हूँ ना, अगर बीच में आ गई तो एक मिनट कर लेती हूँ। ठीक है जल्दी करो। हेलो, हाँ चांदनी कहाँ हो? अच्छा मंदिर में? ओह
खाना बना लिया है, बस अब सांप को खिलाने की ही तैयारी है। हाँ हाँ आराम से। हाँ 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 क्या बोल रही है? क्या बोल रही है बताओ। वो बोल रही है ठीक नहीं किया साहब आपने। क्यों क्या हुआ? अपनी नौकरानी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये क्या मजाक है? तुम खुद ही तो तैयार हुई थी। मैं क्यों तैयार होंगी? मैं तो आपको जानती तक नहीं। समझ गया, ऐसे नाटक है ना मैंने बहुत देखे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? ए, चुप, आवाज नीचे। पैसा तो मैं लूंगी, एक बार नहीं बार। कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं याद दिला देती हूँ। चांदनी, दिखाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तेरा फोन। Thank you.
उसने तो अपने वीडियो की बहुत कीमत चुका ली। अब वक्त है सूद समेत वसूलने का। हर महीने 25,000 रुपए पहुंचानी चाहिए इसके पास। इधर पैसे रुके, उधर वीडियो तुम्हारी बीवी के पास। 25,000 मैं कहां से लाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। एक औरत की इज्जत से ज्यादा नहीं है, समझे? आजकल ना मेड्स के भी बहुत नखरे हो गए हैं, आए दिन मेड चेंज करनी पड़ती है। अब पता नहीं ये नई वाली आएगी भी या नहीं। मैं देखती हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई। अच्छा अच्छा, सतीश ये चांदनी है हमारी नई मेड। अच्छा सुनो, तुम्हारा रूम उस तरफ है, तुम अपना सामान वहीं पे रख देना। हाँ, और ये इस तरफ किचन है, सामान रख के हमारे लिए 2 कप चाय बना देना। हाँ, लेकिन हाँ शक्कर कम डालना, ठीक है? जा। फाइनली बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। अच्छा सुनो सतीश, मैं वो किटी में जा रही हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। ठीक है, बाय स्वीटहार्ट, बाय, सी यू। अच्छा सुनो चांदनी, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा आने में, तुम साहब के लिए टिफिन रेडी कर देना। जी मैम साहब। क्या बना रही हो? कुछ नहीं साहब, दाल गरम कर रही थी। कुछ कुछ चाहिए आपको? हाँ वो भूख लग रही थी थोड़ी। मेरा मतलब है आज मेरा मूड नहीं है ऑफिस जाने का, तो तुम टिफिन रहने दो। ठीक है साहब, तो मैं किचन साफ करके नहा लेती हूँ। ठीक। Thank you.
तो बहुत प्यारी है तुम। ये क्या साहब? तुम नाते में कमाल की लगती हो चांदनी, और स्पेशली वो डरो ना, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, ट्रस्ट मी। मुझे पता है अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाल दिया तो तुम्हारी काफी बदनामी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूं। प्लीज साहब, ये वीडियो डिलीट कर दो साहब, प्लीज प्लीज साहब, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी साहब। ये वीडियो ना रहो, इससे अच्छा मेरी बन के रहो। मेरी बन के रहोगी तो ये वीडियो बिल्कुल सेफ रहेगा। बस तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साहब साहब मुझे जाने दो साहब, मैं तो बहुत गरीब लड़की हूँ साहब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है साहब। इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, वो तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बार बार आओ, अरे घबराओ नहीं, आओ आओ आओ। क्या साहब ने? मैं नहाने गई थी अब दो दिन पहले, वो मुझे रोज ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे ये सब नहीं करना दीदी, मुझे ये सब नहीं करना। परेशान है तुम्हें? रो मत, रो मत। हेलो दीदी। हाँ आप अभी घर पे आ जाओ, मैं आपको सारा काम समझा देती हूँ। मैं देखा रहा हूँ। तुम कौन हो? जी मैं चांदनी की बहन हूँ। कुछ चाहिए साहब? नहीं मैं कुछ सोच रहा था। मार्केट जा रहे, आप इस समय थोड़ी लेट हो जाओगे, कुछ काम हो तो आप मुझे ठीक है। लगता है तुम मेरा ये दर्द मिटा दोगे। आप कहकर तो देखिए, मैं आपके सारे दर्द मिटा दूंगी। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, बस देखूं कैसे बना है। अरे सब सब देखिए किचन खाना बनाने के लिए होता है, फूड बनाने के लिए। बस अब साहब को खिलाने की ही तैयारी है। ठीक है तुम खाना खिलाओ, मैं पहुंच रही हूं।
सतीश, ये सब क्या है? इतनी सारी सिगरेट्स? कुछ नहीं। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये सब छोड़ो ना, तुम क्या कह रही हो? हाँ सतीश, वो हमने ना मेड की वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, डोंट यू थिंक ये जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है, जरूरी तो है। क्या करेगी ये बेचारी, खामखा पुलिस वाले से और परेशान है। हाँ ये बात तो है, वैसे अच्छा काम कर रही है, पिछले तो अच्छा ही काम कर रही है, पता नहीं क्यों चली गई। छोड़ो, पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी रही।